नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड एनर्जाइज टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 7 के यूनिट 2 का एक प्रेरक प्रसंग हम भी बने महान के बारे में कहूंगी, तो गौर से सुनिएगा। पहला प्रसंग है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पिटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा प्रसंग है कि नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानडे को देखकर, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तीसरा प्रसंग है सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5-स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर भी संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला
हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। चौथा प्रसंग है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हरेक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आजाद हो गए हैं, राजकाज का काम सभी अच्छी तरह से चल सकता है, जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है कि माँ गृदह कस्य स्विद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो देखा बच्चों, सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण दृष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। आभार। लाइक करो, तुम्हारा मित्रों ने शेयर करो और आओ वधु वीडियो जोवा माटे आ चैनल ने सब्सक्राइब करो। थैंक यू।